एक बार फिर से शिबा इनू डॉज गन को किल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल करीब आ चुके हैं दोनों। 12वीं रैंक पर डॉज गन है और 13 पर शिबा इनू है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि शिबा इनू बहुत बड़ा पंप ले रहा है। इसी के साथ और भी कई सारी अपडेट्स आ रही हैं शिबा इनू को लेकर, यहाँ शिबा स्वैप, शिबेरियम, इसी के साथ इसका जो खुद का NFT मार्केट प्लेस है, रियल इस्टेट जो वर्चुअल लैंड्स हैं उसकी भी अपडेट आ रही है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ बात सिर्फ हम शिबा इनू की नहीं करने वाले, बल्कि इसी के साथ इसके जो इकोसिस्टम के कॉइन्स हैं लीश, बोन, तो उनकी भी बात करेंगे और थोड़ा सा मार्केट को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट पंप होने जा रही है, बहुत बड़ा पंप लेगी। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अब इसे लाइक कर दो, लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो अभी से वॉल्फ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तभी हम देख पा रहे हैं कि मार्केट कैप जो है क्रिप्टो का, वो $2 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है हम सभी के लिए। इसी के साथ डोमिनेंस BTC की करीब 42% के आसपास चल रही है, इथेरियम के 19% के आसपास, और दोनों प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। BTC से भी $44,000 प्लस जा चुका है, जिसकी वजह से अभी ऑल्ट कॉइन्स रिकवर होना शुरू हो चुके हैं। कल के दिन क्या है कि कल $45,000 को टेस्ट करते ही रिजेक्शन मिला था, रिजेक्शन की वजह से $43,000 हमने देखा था। तो अभी इथेरियम भी बढ़ना शुरू हो चुका है एंड जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं थोड़ा थोड़ा मूव लेना शुरू कर चुके हैं। इसके पीछे कुछ अच्छे रीजंस ये हैं कि जो रशियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है, वो बिटकॉइन को एज ए करेंसी एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि पहले बात करी जा रही थी कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी एकदम से अनाउंसमेंट उनकी तरफ से यही आई है कि इसको लीगल भी किया जाएगा और एज ए करेंसी भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अगर बैंकिंग सिस्टम या फिर जो लाइसेंस इंटरमीडियरीज हैं अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये क्रिप्टो करेंसी एज ए नॉर्मल मीडियम यूज किया जाएगा, यानी कि कोई भी परचेज सेल होगी तो वो भी बिटकॉइन में करी जाएगी। तो जो कमर्सेंट है रशिया का, उन्होंने कहा कि BTC की जो ट्रांजैक्शंस हैं और इसकी जो होल्डिंग्स हैं या पोजेशन है, तो वो रशियन फेडरेशन के द्वारा प्रोहिबिट नहीं करा गया। यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करते हैं, ट्रेड करते हैं, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं जो क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीन इंडेक्स है वो 54 को क्रॉस कर चुका है, जो अगेन अभी एक न्यूट्रल में आ चुका है। तो न्यूट्रल के साथ साथ अभी जो ग्रीड है वो बढ़ना शुरू हो चुका है, यानी कि अभी लोग खुद बाय करना चाहेंगे, यहाँ से बहुत बड़ी वॉल्यूम्स आने वाली क्रिप्टो मार्केट में। यही कारण है कि अभी हमें मीम कॉइन्स भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो पिछला वीडियो मैंने आपको शिबकॉइन के बारे में बताया था, तो उसमें भी कई सारी अपडेट्स दी थी, लेकिन आज की जो अपडेट्स हैं वो और भी बड़ी हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो शिबा इनू है वो अपना मेटावर्स के ऊपर काम शुरू कर चुका है। जितने भी लीश होल्डर्स हैं, जिन लोगों के पास लीश कॉइन है, जो शिबा इनू का खुद का इकोसिस्टम का कॉइन है बोन के अलावा, तो उनको फर्स्ट एक्सेस मिलने वाली है शिबा इनू मेटावर्स लैंड में, यानी कि वो इस मेटावर्स लैंड को होल्ड कर पाएंगे, बाय कर पाएंगे। तो अभी शिबा इनू का इकोसिस्टम इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है कि यहाँ हर एक चीज़ आने वाली है, हर तरह का यहाँ सेक्टर इंक्लूड किया गया है। तो अब ये सिर्फ एक मीम कॉइन बनके नहीं रह गया, बल्कि इसमें यहाँ $18 बिलियन का मार्केट कैप आ चुका है, जिसके अगर हम 24 आवर की वॉल्यूम देखें तो $3 बिलियन से भी ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा अगर हम कंपेयर करें तो BNB का भी नहीं है इस वक्त, उसका $2 बिलियन के आसपास है। तो शिबा इनू बहुत ज़्यादा वायरल प्रोजेक्ट है, वैसे भी हर एक एक्सचेंज के ऊपर ये मोस्ट सर्च और मोस्ट एक्टिव क्रिप्टो करेंसीज में से एक है। तो मेटावर्स को रिवील करने के लिए इन्होंने पहले भी शिबर्स के नाम से एक वर्ड रिलीज किया था, और इन्होंने ये भी कहा था कि ये एक्चुअल वर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ वो हर एक चीज़ को रिवील नहीं करने वाले, वरना उस वर्ड को या फिर उस चीज़ को कॉपी किया जाएगा बहुत से फेक प्रोजेक्ट्स के द्वारा। तो अभी शिबा इन्होंने अपने खुद के शिबा लैंड्स अनाउंस किए हैं, जो अंडर मेटावर्स ही हैं, जिनको परचेज किया जा सकता है और इसके साथ ऑक्शन भी करा जा सकता है। तो इस वक्त उन्होंने पूरी कोशिश करी कि इस सिस्टम में बॉट्स ना आए और गैस वॉर्स भी ना हो, यानी कि यहाँ गैस भी ज़्यादा ना बने, तो इस प्रोसेस को बहुत ही स्मूथ बनाने की कोशिश करी है। यही कारण है कि उन्होंने अनाउंस बहुत पहले किया था कि शिबा का मेटावर्स आएगा, लेकिन अभी हमें कम से कम 3 महीने वेट करते हुए लग गए थे। इसी के साथ एंटी डंप सिस्टम भी इंक्लूड किया गया है लीश होल्डर्स में, ताकि कोई भी एकदम से लीश को सेल ना कर पाए। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो लीश का जो प्राइस है वो $1,800 का है, जो करीब $3,000-4,000 तक जा सकता है बहुत ही आसानी से। इसी के साथ बोन का प्राइस है करीब $1 के आसपास, और शिप का आप खुद जानते हैं कई सारी जीरो से अभी, लेकिन ये 1 सेंट तक पहुँच सकता है इस साल के एंड तक। आज से 2 दिन पहले इन्होंने शिबेरियम लेयर 2 का जो प्राइवेट टेस्टनेट था वो लॉन्च किया था, अभी इसका पब्लिक मेननेट भी जल्दी आ जाएगा। आई होप कि वो जैसे ही आएगा इसमें और भी बड़ा पंप आने वाला है, क्योंकि हमने शिबा इनू के जो जितने भी इवेंट्स देखे हैं, चाहे हम बात करें शिबेरियम की या फिर यहाँ शिबा इनू का जो लैंड्स आया है, तो हर एक इवेंट के साथ यहाँ बड़ा पंप हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत से ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका इवेंट भी आता है लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमेशा अच्छा रहे। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि जो शिबा स्वैप है, इसकी वेबसाइट पहले डाउन थी, इन्होंने डोमेन दोबारा रीपरचेस नहीं करी थी क्योंकि एक्सपायर हो चुकी थी,
तो उसकी वजह से कोई बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ा शिबा के प्राइस के ऊपर। तो अभी वापस इनकी वेबसाइट चलना शुरू हो चुकी shibaswap.com, तो यहाँ हम देख सकते हैं डॉगी दाओ का भी नीचे ऑप्शन आ रहा है, लेकिन डॉगी दाओ रिवील अभी नहीं किए इन्होंने, तो डॉगी दाओ के साथ भी और भी बड़ा पंप आ सकता है। तो अभी लगातार शिबा इनू के कुछ ना कुछ इवेंट्स आने वाले हैं, यही कारण है कि यहां से हमें कम से कम 50 से लेकर 70% तक की रैली देखने को मिल सकती है, जो यहां से 0.00005 तक जा सकता है प्राइस। तो यहाँ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जो 0.00004 के आसपास है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते ही यहाँ से प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन हमने यहाँ देखा कि जो लीश है, लीश का भी प्राइस बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में लीश होल्डर्स को ही ये लैंड सबसे पहले मिलने वाले हैं, एंड इस वक्त भी लीश बहुत बड़ा पंप ले चुका है। कम से कम यहाँ 40 से लेकर 50% का पंप आज के दिन हमने देखा है। तो पहले हम फोकस थे बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलैंड के ऊपर, सैंडबॉक्स के ऊपर, एमबॉक्स के ऊपर, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि लीश भी उनमें से एक सबसे बढ़िया मेटावर्स कॉइन है। तो इस कॉइन को होल्ड करना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि शिबा इनू में एंटी डंप मैकेनिज्म भी लगाया गया है, जिसकी वजह से जो लीश का प्राइस है एकदम से नीचे नहीं गिरेगा। तो यही अपडेट्स आपको और भी मिलते रहेंगे हमारे टेलीग्राम के ऊपर, वॉफिट ऑफिशियल, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो अभी से ज्वाइन कर लो। वहां हर एक चीज़ में डालने वाला हूं आगे की क्या जो जो भी होने वाला है शिबा इनू का। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।